हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप AI से स्टॉक फोटोग्राफी करके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप टू डू दिस, तो ये फर्स्ट स्टेप हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर वन, चूज योर नीश। तो स्टेप नंबर वन पर हमें अपनी नीश चूज कर लेनी। तो हम ChatGPT पर आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं गिव मी सम नीश आइडियाज फॉर स्टॉक फोटोग्राफी। तो ChatGPT हमें कुछ आइडियाज दे रहा है नीश के, तो मुझे तो पसंद नहीं आए हैं, इनमें से कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो उसके बाद फिर से लिख लेते हैं गिव मी सम ट्रेंडिंग नीश आइडियाज। तो ChatGPT ये भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं लिखे हैं, तो मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। तो मैं देखती अगर और लिखती, अगर इनमें कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना इनमें से कोई चूज़ कर लूँगी। तो मैं लिखती हूँ गिव मी सम मोस्ट सर्च नीश आइडियाज फॉर फोटोग्राफी। ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, कोई भी अच्छा नहीं लिखा है, तो मैं पिछले वाले पे ही चले जाती हूँ। ये मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगा है, आउटडोर एडवेंचर्स, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, ये अच्छा है लाइक। तो इसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर टू पर, चूज अ प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ChatGPT पर और यहाँ लिख देते हैं गिव मी सम फेमस गिव मी प्लेटफॉर्म आइडियाज फॉर स्टॉक फोटोग्राफी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे कोई स्टॉक फोटोग्राफी के लिए प्लेटफॉर्म्स के आइडियाज दीजिए। तो ये वैसे ही कुछ और लिखने लगे, मुझे लगता है ChatGPT को समझ नहीं आया प्रॉम्प्ट हमारा। उसके बाद फिर से हम लिख लेते गिव मी सम फेमस प्लेटफॉर्म नेम्स। तो ये उन्होंने दिए हैं नेम, पर ये मुझे सही नहीं लगे। तो मैं लिख लूँगी प्लेटफॉर्म्स गिव मी सम फेमस प्लेटफॉर्म नेम्स फॉर फोटोग्राफी फॉर स्टॉक फोटोग्राफी। ये भी फिर से उन्होंने दे दिए हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाले चाहिए। तो मैं लिखूँगी गिव मी विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, मतलब जो ज़्यादा पैसे देता हो और ज़्यादा जिससे ज़्यादा कमाई होती हो। तो मैंने लिखा है एंड गिव हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर स्टॉक फोटोग्राफी। तो इसके बाद देख लीजिए ये गेटी इमेजेस और आई स्टॉक का आया है, और ये बहुत सारे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे इनमें से गेटी इमेजेस इंटरेस्टिंग लगा, शटर स्टॉक भी अच्छा है, और ये गेटी इमेजेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हैं। तो मैं इन्हें सर्च कर लेती हूँ, आपको क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर हर टाइप की लाइक इमेजेस हैं, आप कोई भी इमेजेस यहाँ से ढूंढ सकते हैं। AI की इमेजेस आप, ये आप ऐसी इमेजेस AI के ज़रिए भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसी इमेजेस बनानी है। तो आप देखिए कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे अच्छे इमेजेस हैं। तो ये भी देखिए, ये भी कितने अच्छे इमेजेस हैं, लोगों ने खुद की भी लगाई। ये देखिए, ये AI से जनरेटेड इमेजेस हैं, बिल्कुल नज़र आ रहा है कितना सही है, ये भी देखिए। उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर थ्री पर, प्रॉम्प्ट राइटिंग। तो हमें इमेजेस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम AI से इमेजेस जनरेट करेंगे तो हमें प्रॉम्प्ट्स की भी ज़रूरत होगी। तो मुझे तो वैसे बहुत ही लाइक लेजनेस लगती है प्रॉम्प्ट राइट करने में, तो मैं ChatGPT से लिखवा लेती हूँ। तो मैं ChatGPT को लिखती हूँ राइट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट आउटडोर एडवेंचर
आउटडोर एडवेंचर्स, स्टॉक फोटोग्राफी, स्टॉक फोटो लाइक आउटडोर एडवेंचर फोटोज चाहिए। तो ये देखिए कुछ आइडियाज आए पर मुझे ये अच्छे नहीं लगे बिकॉज लाइक इतना सही नहीं लग रहा, ये बहुत ही बोरिंग लग रहा है। तो इसके बाद मैं फिर से लिख लेती हूँ, राइट सम अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट्स। तो मैंने लिखे राइट सम अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट्स, तो ये प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं। मुझे ये थोड़े सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो शॉर्ट भी हैं तो अच्छे हैं। तो मुझे कॉपी करके मुझे इन्हें नोटपैड पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। स्टेप नंबर 4, इमेजेस जनरेटिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं लियोनार्डो पर, स्टार्ट यूजिंग लियोनार्डो, यस आई एम वाइट लिस्टेड पर क्लिक कर देते हैं। फिर हम क्लिक करेंगे AI इमेज जनरेटिंग पर। तो उसके बाद हमें ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर देना है और ये यहाँ पेस्ट कर देना है, जनरेट इमेजेस। तो ये तो मुझे पिक तो बहुत ही लाइक खूबसूरत लगी, पर मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। मैं इसे सेव कर देती हूँ, फोल्डर में चली जाती हूँ, न्यू फोल्डर, आउटडोर एडवेंचर पिक्स। तो इस फोल्डर में मैं सेव कर दूँगी इस पिक्चर को। उसके बाद सेकेंड वन, तो जनरेट कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं ये जनरेट हो गया। वाओ, इतना लाइक खूबसूरत तरीके से बनाया, ऐसे लग रहा है कि रॉयल इमेजेस हैं, कितना सही है। तो ये देखिए, वाओ, जस्ट वाओ, ये कितना सही है। तो मैं सेव कर लेती हूँ और भी जनरेट कर लेती हूँ। तो मैंने वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, तो इस प्रोसेस को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ये इमेजेस जनरेट करने के बाद आपको लाइक उस पर, जैसे मैंने गेटी इमेजेस बताया, उस प्लेटफॉर्म पर जाके अकाउंट बनाना है और वहाँ पर इमेज अपलोड कर देनी। ये प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ अगर मैंने दिखाया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो बहुत ही लाइक बोर हो जाएंगे आप लोग, तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं दिखा रही। मैं वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहती, तो बस आपको इमेजेस बनाना मैंने दिखा दिया, आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी लास्ट वन, ये वाली, ये मुझे अच्छी लग रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।